गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में गद्य खंड का पहला पाठ, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, पाठ का नाम बड़े भाई साहब है। बड़े भाई साहब आप जानते हैं, आपसे बड़ा भाई जो है वो आपसे बड़े भाई साहब कहलाते हैं। तो इस पाठ में सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में हम पढ़ें। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लहमी गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू के नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम उर्दू में तो है नवाब राय और हिंदी में है प्रेमचंद, और इनका वास्तविक नाम है धनपत राय प्रेमचंद। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधवी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह इन्हें रास नहीं है। यद्यपि इनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी, आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। उनकी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी, जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिलते थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक के 8 खंडों में प्रकाशित। उनके प्रमुख उपन्यास गोदान गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण उपन्यास बताया जाता है। अब बेटा जो हम बड़े भाई साहब पाठ पढ़ेंगे उसकी भूमिका क्या है वो देखें आप। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डाल, ये बात बड़े भाई साहब कह रहे हैं छोटे भाई से। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो हमें यूं न टोकता कोई। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर में बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के हैं, और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर के किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वो दुख भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी करें वो छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता। अब पाठ की शुरुआत होती है। बेटा ध्यान दें, बड़ा ही पाठ रोचक है और इस पाठ में जो मिसाल दी गई है उसे आप अच्छे से सीखें और छोटे से भी कुछ सीखें। बड़े से तो सीखना ही है, साथ ही साथ छोटे से भी सीखें। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। मेरे लेखक क्या कहता है, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन
केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तामिल जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। एक साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान जैसे पायदार। लेखक क्या कहता है कि भैया मेरे भाई साहब है ना इतने महान हैं कि वो जो भी कार्य करते थे ना कम से कम उसमें 2-3 साल तो लगा ही देते थे। जिस तरीके से मकान मजबूत करने के लिए उसकी नींव रखनी जरूरी होती है, उसी तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए मेरे भाई साहब को लगभग 2-3 वर्ष तो लग ही जाया। मैं छोटा था वो बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी वो 14 साल। मेरी उन्हें मेरी तभी और निगरानी का पूरा और जन्म वो मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझ। वो स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डाल, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधेश्याम श्री युद्ध राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं। लेखक जो है वो 5वीं क्लास में पढ़ता था और उसके भाई साहब 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। लेखक के भाई साहब जो थे वो अपनी कॉपी में इस तरीके से वाक्य लिखते थे, इस तरीके से सेंटेंस लिखते थे, इस तरीके से चित्र बनाते थे कि उसी वाक्य को उसी शब्द को उसी सेंटेंस को उसी रचना को वो लगभग 3-4 बार लिख दिया करते थे। तो ये एक बार लेखक ने उनकी कॉपी उठा करके देख ली तो लेखक को कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि भाई साहब इस तरीके से पढ़ाई करते हैं क्या, जबकि वो तो मुझसे बड़े और 9वीं कक्षा में। तो लेखक जो है इस बात को समझने में असफल रहता है। आगे देखें, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल करके मैं मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन होता। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि इसने और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। लेखक जो है जैसे ही मौका मिलता वो बाहर खेलने के लिए भाग जाया करता, अपने मित्रों के साथ
साथ खेलता, पाठक पर सवार होकर के इधर उधर मोटर गाड़ियों की तरह वो झूले झूलता। तो जब वो हॉस्टल के कमरे में आता तो अपने बड़े भाई साहब के गुस्से का कारण बन जाता। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गेरा नहीं फेरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ दिन रात आगे पढ़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है तब कहीं ये विद्या और आती क्या है, कहाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना मजबूरा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मैं मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखो, अगर नहीं देखते तो तुम, यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है। रोज ही क्रिकेट हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उन पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ना पड़ता, साल पढ़ा रहा हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओ। मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़े रहो। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रूप में क्यों बर्बाद करते। लेखक क्या कहता है कि भाई अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी किसी हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसे पढ़ने के लिए दिन रात एक करना पड़ता। लेखक को समझा रहा है उसका बड़ा भाई कि भैया मुझे एक दो साल तो हर कक्षा में हो जाते हैं, तुम तो फिर भी छोटी कक्षा में हो, तुम तो और ज़्यादा समय लोगे। तो इस वजह से जो भी पढ़ो सही तरीके से पढ़ो, कम से कम मैं जो नसीहत देता हूँ उस नसीहत के अनुसार तुम पढ़ करो। मैं ये लतार सुनकर आंसू बहाने लगा, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया। लतार कौन सा है भाई साहब, उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसी सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करके करने की शक्ति में अपने में न पाता और निराश से जरा देर के लिए मैं सोचता क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे जो चक्कर आ जाता, लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धोना, नाश्ता करना, पढ़ने कौन बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात।
टाइम टेबल तो कोई बना लेता है, बना करके रख दो भाई। यदि आप उसे फॉलो ही नहीं करेंगे तो टाइम टेबल क्या खाद काम करेगा नहीं। उस पर अमल करना दूसरी बात, पहले ही उसकी अवेलनेस शुरू हो जाती है। मैदान की तरह उस पर हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव धार, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख तोड़ पुस्तकें किसी की याद में रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाता कि उन्हें वर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। लेखक जो है वो उसके बड़े भाई साहब की आज्ञा की अवहेलना करते हुए खेल कूद में बड़े इंटरेस्टेड रहते थे, बड़े ही रोचक पूर्ण तरीके से खेल में दिलचस्पी रखते थे। इस कारण से लेखक जो है अपने बड़े भाई साहब की हर बात को जहर के घूंट के माफिक पी लिया करते थे। बेटा अब आगे का भाग कल पढ़ेंगे अपन, मतलब नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, घर पे जा करके पढ़ें, ठीक है।